Hello guys, मेरी दोस्त अभी शादी हुई है, एक तो मंथ हो चुकी है। मुझे लगता है ये बहुत पसंद है। इस शादी से पहले जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी तो मैं सोचती थी ये मैं जरूर पहनूँ, और मैंने ये अप्लाई भी किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको मेकअप करके दिखाती हूँ, ठीक है। बस मैंने फेस वॉश किया है और ये रखा है। उसके बाद आपको भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो, बट गर्मी में आप सन स्क्रीन बेस्ट आपके लिए। और खत्म हो रखा है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। आप ये थोड़ा सा लिख सकते हो और अपने फेस पे लगा सकते हो, चाहे आप घर से बाहर निकलो ना निकलो। और इसे अप्लाई करो अपने फेस पे। आपको ये सन से बचाएगा जो आपकी फेस पर फर्क पड़ता है, और चार सकता दो लोगों लगा रहे हैं दोस्तों। अगर आप एक लोगों तब भी मैंने सिर्फ सिंपल पानी से वॉश किया था, आपको भी ले सकते हो। मैं ये व्हाइट टोन का लेती हूँ, मैं हमेशा सनस्क्रीन पपैया का और ये व्हाइट टोन यूज़ करती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम से ये व्हाइट टोन बंद कर दिया था करना, सप्लाई करती हूँ। अच्छे से अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। मेरे पास दो फाउंडेशन है जो आपको मैं दिखाती हूँ। एक ये जो मुझे शादी में मिला था, ये फिटमी का है, 330 है इसमें। और एक ये है मेरी मम्मा ने लिया था मुझे शादी से पहले, ये इंडिया का है, ये ब्लू हेवन का है, परफेक्ट टच कंसीलर ये है। तो मैंने इसको मिक्स करके मैंने इस वाले बॉक्स में रखा हुआ है। और सबसे बढ़िया बात, सिर्फ आप ये मत लगाओ, ये लगाने से तो आपके फेस पे कुछ भी कुछ ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसको किसी क्रीम पे फाउंडेशन टच कर रखा है, इसको इफेक्ट ना पड़े। आप इसका ऐसा आँखों पे नीचे फॉरहेड पे, ठीक है, और के यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, मेरे आँख में नीचे है डार्क सर्कल। आप ऐसे बॉक्स में बना के रख सकते हो फाउंडेशन और कोई भी क्रीम को। अगर आप लगाओगे तो आपने मेकअप किया हुआ पता भी नहीं चलेगा किसी को, इससे ये फायदा है। आईब्रोज पे आईब्रोज के लिए की ब्रश लिया है, और ये मेरी दीदी ने गिफ्ट किया है, मेरी बड़ी सिस्टर ने। इनका ब्यूटी है 16 कलर के आई शेडो इसमें, और मुझे सबसे पसंद
ज़्यादातर मैं इसमें कलर ये वाला यूज़ करती हूँ। आईब्रोज के लिए मैं ये वाला करूँगी ब्लैक, ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा बहुत। जैसे आपका आईब्रोज बनाना है आप वैसे यूज करोगे। अगर आपको ब्राउन अच्छा लगता है तो ब्राउन के लिए करना, हम ब्लैक कर सकते हैं। देखिए आपकी शेप बनी है ना, आप वैसे ब्लैक कर सकते हैं। अब उसके बाद आइस का मेकअप कर सकते हो। यार आइस का मेकअप करने के लिए ये वाला लूंगी, थोड़ा सा ये कलर मैंने ब्लेंड किया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पिंक कलर। इसके बाद ये जो लैशेस के लिए कर सकते हो, चलते हैं आई लिक्विड वाटर प्रूफ MRS का। देखिए अब मैं हमेशा हाफ लाइन से शुरू करती हूँ और यहाँ निकालती हूँ, आपकी मर्जी है आपको निकालना पसंद है या नहीं। किसको मोटा पसंद होता है किसको पतला। मस्कारा की तरफ मस्कारा मुझे मैंने ये शादी से पहले लिया था और बहुत अच्छा है। कंसीलर प्रो सल मस्कारा सुपर वाटर प्रूफ है। मेरा इसी में इसलिए घर से नहीं देख रही
पर लेंसेस नहीं लगाती हूँ, मैं नकली पलके लगाती हूँ, बस लगाता है। ब्लश कूलिंग वेपर्स ये और ज़्यादा ज़्यादा पिंक शेड यूज करती हूँ। लास्ट में आप इसके साथ उसको क्लीन कर सकते हो इसी बात से। मैं कभी देखिए ज़्यादा ब्लश को लगा मैंने उसके बाद बस अब आते हैं लिपस्टिक के बारे में। आउटलाइन लाया पेंसिल से, उसके बाद हम कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैडम भी रेड कलर। ये तो लगा था लगाने के बाद आप इसमें रेड कलर लिक्विड का यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। अरे मैंने ये वाली लगाई गले पर की, फिर ये वाली लगाई यूज कर सकते हो लास्ट में।
उसके बाद मेरे सिंदूर की बारी आती है। मैं सिंदूर लगाती हूँ बॉक्स वाला, तीन बार लगाती हूँ। हमेशा ऐसे यूज करते हैं। Just a minute.